हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन्हीं 8 लक्षणों के बारे में जो गर्भवती महिलाओं में बेबी बॉय के टाइम पर पाए जाते हैं। हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं पुराने ज़माने में, वो कैसे बता देती थी, ऐसे कौन से लक्षण को देखकर वो बता देती थी कि गर्भवती महिला को क्या होने वाला है, एक बेबी बॉय होने वाला है कि एक बेबी गर्ल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम वही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर किया कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, तो क्या होगा कि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों, मेरा ये चैनल का या वीडियो का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लड़का लड़की में भेदभाव करें, है ना। हमारे लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को समान प्यार और अधिकार देने चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं वही 8 बेबी बॉय के सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला सिम्टम यह है दोस्तों, वो है आपके सिर के बालों के ऊपर। दोस्तों, ऐसा माना गया है दोस्तों कि अगर आपको प्रेगनेंसी में आपके बाल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घने हो रहे हैं, मुलायम हो रहे हैं, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी दूसरा सिम्टम है दोस्तों कि आपके खाने की पसंद और नापसंद के ऊपर। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाना, मसालेदार चटपटा खाना अच्छा लग रहा है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी बात करते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में। तो दोस्तों, बेबी बॉय का तीसरा सिम्टम है कि आपके मूड स्विंग के ऊपर। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट तिमाही में बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, मतलब बेवजह आपको गुस्सा आता है, रोना आता है, उदास हो जाती है, अगर ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है ना दोस्तों, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं चौथे सिम्टम के बारे में। तो चौथा सिम्टम है दोस्तों, वो है वोमिटिंग के ऊपर। दोस्तों, तो यह माना जाता है कि आपको अगर किसी भी चीज़ से बदबू आती है, कुछ भी हो रहा है, क्यों क्या होता है कि आपको वोमिटिंग जैसा फील होगा, लेकिन वोमिटिंग होगी नहीं कभी भी। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है ना, तो आप कुछ तक आइडिया लगा सकती है कि आपको एक बेबी बॉय हो सकता है। अभी हम बात करते हैं पाँचवें सिम्टम के बारे में दोस्तों। तो पाँचवा सिम्टम है दोस्तों ऐसा कि आपके कमर को लेकर है दोस्तों, कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कमर के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द रह रहा है ना दोस्तों, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ बताती है कि आपको एक बेबी बॉय होगा दोस्तों। अभी हम बात करते हैं लास्ट सिम्टम के बारे में। तो वो है आपका पेट का आकार दोस्तों। अगर आपका पेट का आकार है वो बहुत ही बड़ा है और आगे की तरफ निकला हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप में भी 100% ये सब सिम्टम ठीक बैठे, क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी और बॉडी सिम्टम अलग रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।